हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से सॉल्व करें। क्लास टेंथ का है ये, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कह रहा है कि तीन डिजिट्स के कितनी संख्याएँ विभाजित है 7 से, यानी कि हमें तीन डिजिट्स की वे सारी संख्याएं बतानी है जो 7 से विभाजित हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कौन सी संख्या है, 105। ये वाली 105 क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स 994। ठीक है, अब आप इस सीरीज में चलते जाओगे तो 994 क्या होगी, लास्ट वो संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होती है, थ्री डिजिट्स वाली। ठीक है, तीन अंकों की। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीरीज लिख लेंगे, यानी कि सीक्वेंस क्या होगी इसकी, और इसी तरह सो ऑन क्या हो जाएगा, 994। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। तो हमारे पास ए कितना आ गया, 105 पहली संख्या है ये, और उसके बाद डी, यानी कि डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 112 में से 5 घटा दोगे आप तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 994 ये हमें सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में, और ये डी यहाँ पे डिफरेंस का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, पुट कर देंगे इसी पे। ए कितना है, 105 है, प्लस एन हमारे पास है ही नहीं ब्रैकेट में, और 1 अपनी जगह पे, और डी कितना है, 7 है ना, 994। अब इसे 105 प्लस, अब इसे ये देखिए ब्रैकेट में है, यानी कि दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7n माइनस 7 × 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, 994। अब ये देखिए 105 और यहाँ पे ये 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 105 और 7 घटा देंगे इसमें से, तो आ गया 98 है ना। तो 98 प्लस 7n इज इक्वल टू कितना आ गया, 994। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7n को तो इधर ही रख लेंगे और इसे इधर ले जाएंगे, 994 माइनस ये 98। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस में है, तो इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, घटा देंगे इसको भी, यहाँ पे हम मैं घटा देता हूँ। तो घटाने पे क्या आ गया, 994 में से 98, तो 896 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 7n इज इक्वल टू 896। अब n की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, 896 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो n की जो वैल्यू आ गई 128 आ गई। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, और यही आपको निकालना था। ओके, थैंक यू वेरी मच।